I am Sabida speaking from Israel. We were there four and a half an hour hanging on the doors. Terrorists were in our house from seven thirty, almost seven thirty. They were trying to open the door from outside, but we tried our best to keep uh, to hold on to the door. ye Indian super women की कहानी है दो ऐसी इंडियन सुपर वेमेन जो कि काम करती हैं इज़राइल में हमास आतंकवादी हमले के दौरान इन वीरांगनाओं ने सेफ हाउस के दरवाजे को खुलने ही नहीं दिया क्योंकि आतंकवादी अंदर आकर नागरिकों को मारना चाहते थे इज़राइल दूतावास द्वारा शेयर की गई इस वीडियो में ऐसी जंगों में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसी कहानियां लिख जाते हैं जो हमेशा याद रहती हैं। को जिहाद की जरूरत है आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू दून बाई ट्वेंटी फोर्टी पहला इंडियन जो की अब चांद पर कदम रखेगा अमरीकी सदर ने गजा के अस्पताल पर बमबारी पर इसराइल के मौकफ़ की तायद कर दी है और गजा के अस्पताल में बमबारी से पाँच सौ अफराद के कतले का जिम्मा भी फलस्तियों पर डाल दिया है हालात को खराब करने के लिए हमास की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो दूसरा आपका पड़ोस भारत जो है मुसंसद आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशत गर्दी को सपोर्ट करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता

बल्कि इसराइल के नागरिकों की भी जान बचाई हमास के लड़ाकों से इन महिलाओं का सामना और बहादुरी का जिक्र खुद इसराइल ने किया है भारत में इसराइली दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर दो केरल वासियों के प्रयासों की सराहना की है जिन्होंने हमास के हमले के दौरान दरवाजे के हैंडल को पकड़कर हमलावरों को तब तक रोके रखा जब तक पुलिस नहीं गई इसराइली दूतावास ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा भारतीय वीरंगनाएं केरल की रहने वाली सबिता जो अब भी इजराइल में सेवारत है बता रही है कि कैसे उन्होंने और मीरा मोहनन जी ने मिलकर इजरायली नागरिकों की जान बचाई ऐसी जंगों में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसी कहानियां लिख जाते हैं जो हमेशा याद रहती हैं कैसी कहानी दो बहादुर खवातीन इंडिया की दो बहादुर खवातीन की एक कहानी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने इस जंग में लोगों को कैसे बचाया अब आपको हम लेकर चलेंगे उस कहानी की तरफ जो कि ये हमें बताती है कि इंसान जो है वो ऐसी जंगों के दौरान कैसे कैसे कारनामे अंजाम दे सकता है देखिए ये इंडियन सुपर वेमेन की कहानी है दो ऐसी इंडियन सुपर वेमेन जो कि काम करती हैं इसराइल में और वो हेल्थ केयर में यानी गिवर जो वहाँ पर ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में जो कि वैसे तो कोई अठारह हज़ार के करीब इंडियंस वहाँ पर इसराइल में काम करते हैं लेकिन उनकी बड़ी तादाद हेल्थ केयर में काम करती है डॉक्टर्स के तौर पर और इसके अलावा और भी दीगर शोबों में काम करते हैं तो इसमें पता ये चलता है कि दो इंडियन ख़ीन जो जिनका ताल्लुक़ केरला से है और उनमें एक सबीता नामी ख़ातून है तो केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन उस वक्त उस घर के अंदर ही मौजूद थी क्योंकि एक के सुबह शिफ्ट ख़त्म हो रही थी और दूसरी की शुरू होने वाली थी कोई सात बजे साथ साथ का टाइम सात साढ़े सात का टाइम सुबह का इसराइल में तो दोनों उस वक्त उस घर में मौजूद थी उसी वक्त वो हमला होता है जिसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई हमास के दहशतगर्द दाखिल होते हैं इसराइल में और उसके बाद वो सबको गोलियां मारना शुरू कर देते हैं पकड़ना शुरू कर देते हैं और क्योंकि ये जिस घर में मौजूद थी जॉब कर रही थी वो उसी जगह पर वो घर मौजूद है तो इनको जब आवाजें आती हैं तो ये फ़ोन करती हैं कि जिसको वो टेक केयर करती हैं उनकी बहन को उनकी सिस्टर को कि यहाँ पर ये हो रहा है तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आता है और वो Uh, सबीता और मीरा को ये बताती हैं कि इस तरीके से कोई हमला हुआ है और दरवाज़ा बंद कर लो दरवाजे आप बंद कर लें ये दरवाज़े बंद कर लेती हैं लेकिन उसके बाद जो हमलावर हैं यानी हम मास्क गए वो लोग के जो इस तरीके से घरों में घुस कर लोगों को पकड़ के मारा है जिन्होंने वो इनके घर पहुंचते हैं और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं दरवाज़ा पहले नॉक करते हैं खोलने की कोशिश करते हैं उस पर गोलियाँ बरसाते हैं और कई घंटे तक ये दो खात केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन ये अपने उस क्लाइंट को जिनकी वो हिफाज़त पे वहाँ पे हेल्थ केयर के लिए वहाँ पे मौजूद थी उन तक उन हमलावरों को नहीं पहुँचने देती और दरवाज़ा नहीं खोलने देती और हमलावर अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं कि वो दरवाज़ा खोलें लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता और ये कई घंटे तक स्ट्रगल जारी रहती है और बाहर से गोलियां चलने की लोगों को मारने की कत्ल करने की चीखों पुकार की आवाज़ें आती रहती हैं फिर उसके बाद ये दोबारा फ़ोन पे इनकी जब बात होती है उसकी बहन से तो वो ये बताती हैं कि इस तरीके से ये वहाँ पर हो चुका है और वहाँ पर हमला हुआ है और लोग घरों में घुस घुस के लोगों को निकाल रहे हैं तो आपने उनको अंदर नहीं आने देना और फिर वो उसी तरीके से स्ट्रगल करती हैं और हमास के हमलावरों को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देती फिर कई घंटों के बाद वहाँ पर इसराइली फोर्सेस पहुँचती हैं और उनको बचाती हैं तो सबीता ने ये कहानी अपनी सुनाई है और उनकी वीडियोस और उनकी बातें वायरल हो रही हैं बल्कि जो इंडिया में इसराइली एम्बेसी है उन्होंने इसको ट्वीट किया है इसके ऊपर उन्होंने बड़ा इसको तारीफ़ की है और हर तरफ इनका चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि ये दो ख़ी इंडियन सुपर वेमेन का इनको नाम दिया जा रहा है जिसमें कहा गया है इंडियन सुपर वाम इसराइल प्रेजिज़ टू केरला केयर गिवर्स हु सेव्ड पीपल फ्राम हमास हमास से अपने उस क्लाइंट या उस मरीज़ को जो जिसकी वो हेल्थ केयर पे मामूर थी उसको बचाने में कैसे कामयाब होती हैं और हमलावरों को दाखिल नहीं होने देते बड़ी कमाल की कहानी है इससे इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हासिल करेंगे लेकिन जब दुनिया में ऐसे बड़े क्राइसिस आते हैं और जंगें होती हैं तो इस तरह के हालात जन्म लेते हैं जिसमें कुछ लोग जो कि बड़े करेक्टर के होते हैं बड़ा किरदार उनका होता है वो ऐसे वक्त में उनका किरदार सामने नज़र आता है कुछ भाग जाते हैं और कुछ जो हैं वो खड़े रहते हैं और ना सिर्फ खुद को बचाते हैं बल्कि जो उनके पीछे लोग छुपे हुए होते हैं या जिनकी जान को खतरा होता है उनको भी बचाने का किरदार अदा करते हैं तो हम भी उनकी तारीफ करते हैं जबरदस्त well क्या आप छिहत्तर साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं आपने जिहाद के खिलाफ आपने जिहाद किया है अपने गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है तो ये किस किस्म का एक मजाक है वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शद वाली कि ये सियासत नहीं है जिहाद है ये बच्चे आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं आपको जिहाद की जरूरत है आपको इंग्लिश की जरूरत है आपको मैथ की जरूरत है आप जिन लोगों को सामने खड़े -खर, कर, खड़े करके जिहाद जिहाद की करते हैं वो इंग्लिश में ना ट्वीट करने की और इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते आप यूनाइटेड नेशंस में किस मुंह से जाएंगे आप आई एफ आई एम के सामने किस मुंह से जाएंगे और दूसरा आपका पड़ोस भारत जो है मुसलसल आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते